ये कहानी है जागृत और जय की। हम सबकी ही तरह जागृत और जय के घर पे पूजा करने के लिए, फ्रेग्रेंसेस के लिए और एक प्लेजेंट माहौल बनाने के लिए अगरबत्ती जलाई जाती थी। पर जागृत जब भी अपने घर पे अगरबत्ती जलाते थे तो उन्हें इरिटेशन होता था। तो मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर अगरबत्ती के पास जाते ही मुझे इरिटेशन क्यों होने लगती है। जागरूक के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दोनों ढूंढने लगे और इस रिसर्च के अंदर हम दोनों ने कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता किया। जागरूक और जय ने अगरबत्ती के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े और वीडियोस भी देखे और हमें पता चला कि मोस्टली जितने भी अगरबत्ती मार्केट में अवेलेबल है वो केमिकल्स, चारकोल और परफ्यूम से बनाए जाते हैं। कई बार उसको जलाने से जो उसके धुएं में से जो टॉक्सिक्स निकलते हैं, तो कई स्टडीज में से देखा गया है कि वो पर्टिकुलर्स मैटर्स हमारे लंग्स के अंदर जाके हमारे लंग्स को खराब करते हैं। और उन्होंने सोचा कि मार्केट में प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स को अगर बेटर क्वालिटी का बना दें, जिससे ना ही कोई पॉल्यूशन पैदा हो और ना ही हमें चारकोल का यूज करना पड़े। तो ये आइडिया तो हमें आया था, पर इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करें और कोई हमारे पास प्लान नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि हम कैसे आगे ये आइडिया को ले जा सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अगरबत्ती में से चारकोल केमिकल हम लोग निकल नहीं देते तब तक ये प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। ट्रू, क्योंकि मोस्टली अगरबत्तियों से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इवन कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जो टॉक्सिन्स होते हैं। जब एक बार मैं और जागरूक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब हमने एक गौशाला देखी, वहाँ कुछ लोग गोबर को इकट्ठा कर रहे थे, तब हमने वहाँ जाके इंटरेस्ट लिया थोड़ा कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि गोबर को इतनी अच्छी तरह से कलेक्ट क्यों किया जा रहा है। हम दोनों वहाँ गए और उन लोगों से पूछा कि आखिर यह गोबर का आप करते क्या है, तो वो लोगों ने बताया कि हम लोग ये गोबर से खाड़ और उपले बनाते हैं और कई बार की कुछ लोग इसको अगरबत्ती बनाने के लिए भी लेके जाते हैं। जय और जागृत को यहाँ पहली बार पता चला कि गोबर से अगरबत्ती भी बन सकती है और वो इस बारे में रिसर्च करने लगे। तो फिर हमने काफी वीडियोस देखे, काफी सारे आर्टिकल भी पढ़े और हमें पता चला कि चारकोल और केमिकल को अगरबत्ती में काउडंग जो है वो रिप्लेस कर सकता है। ऐसा करने से हम लोग केमिकल फ्री अगरबत्ती और धूप स्टिक बना सकते थे, तो हम लोगों ने तुरंत इस आइडिया को अपना लिया और हम लोगों ने अपना फर्म ग्रंथ इंसेंस सप्लाइज का सेटअप किया, जहां जागृत और जय सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री अगरबत्ती, धूप और ऐसे कई प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके। सबसे पहले हम गौशाला से गोबर को कलेक्ट करते हैं, बाद में उसका पाउडर बनाते हैं और इस गोबर के पाउडर के अंदर हम गूगल, कपूर, कुपम जैसी औषधियाँ का पाउडर मिलाते हैं। ये पाउडर मिलाने के बाद सारा पाउडर हम मिक्सर मशीन में डाल देते हैं और फिर इसके अंदर और भी कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं जिससे ये फ्रेग्रेंट रहे और बाद में इसको मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद ये अगरबत्ती के शेप में आ जाते हैं और वो फिर कुछ इस तरह से दिखते हैं। हमारे फार्म से एवरी मंथ 1000 kg काउडंग से हम नेचुरल धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री जैसी चीजों का मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सस्टेनेबल तो है ही, साथ में आपकी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। है ना एकदम अमेजिंग। तो इस तरह से ये केमिकल और चारकोल फ्री प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको जय और जागरूक का ये आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को इस स्टार्टअप के बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट और लोगों को पता भी चले कि ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। Also, it is very important to mention कि हमें इनका आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। This is not a paid promotion. जय और जागृत ने एक छोटी सी प्रॉब्लम को नोटिस किया और फिर उसे सॉल्व किया। तो अपने आसपास प्रॉब्लम्स को नोटिस करिए और उसे सॉल्व करते जाइए। That's it for this video. See you next week.